कश्मीरी में क्यों जल रही है जमीन, जमीन से क्यों निकल रहा है धुआं, क्या लखीमपुर खीरी में निकलने वाला है कोई ज्वालामुखी, इस आग से मिट्टी तो हो रही है राख लेकिन नहीं जल रहे पौधे, कहीं ये कोई शैतानी शक्ति तो नहीं। गौर से देखिए लखीमपुर खीरी जनपद के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के बेल पहाड़ा गांव की इस वीडियो को, कैसे यहां जमीन जल रही है। जमीन से ऐसे धुआं उठ रहा है जैसे मानो अंदर कोई आग सुलगा रहा हो, एक ऐसी आग जो मिट्टी को जलाकर राख तो कर रही है लेकिन मिट्टी में पनपे पौधे को नहीं जला पा रही है। खास बात तो ये है कि जमीन के जलने का सिलसिला 15 दिनों से यूं ही चला आ रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने भी शुरू हो गए हैं। इसे देखकर उनमें जितना कौतूहल है उतना ही कयास भी। ये काफी दिन से है, आज हो गए हैं 15-20 दिन, लेकिन जानकारी आज हुई है और यहाँ देखने के लिए आए हैं तो वाकई सच्ची बात निकली है। तो ये जमीन जो धस रही है वो जमीन के नीचे से आग है? हाँ, दिखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है कि जमीन के नीचे से आग धधक रही है। ये ज्वालामुखी के रूप में है? हाँ जी, ऐसा ही तो लग रहा है। जमीन के ऐसे जलने का कोई ज्वालामुखी फटने का संकेत मान रहा है तो कोई रूहानी शक्ति, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के मोरिंडा हाउस कॉलेज के भूगोल के असिस्टेंट प्रोफेसर मनजीत सिंह का मानना है कि इसके तीन कारण हो सकते हैं। उनका मानना है कि मिट्टी में प्राकृतिक खाद, प्लास्टिक या ऐसे तत्वों की अधिकता होने पर आग की स्थिति में ऐसा हो सकता है। लखीमपुर खैरा गंगा प्लेन या तराई में पाई जाती है, गंगा प्लेन के ठीक नीचे। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो भावर मिट्टी होती है और भावर मिट्टी की जो उत्पादन करने की क्षमता होती है या जो उसमें खेती किया जा सकता है बिना खाद का संभव नहीं है, उसमें अत्यधिक खाद का प्रयोग होता है। तो ये जो घटना घटी है जहाँ से आप खेतों से धुआं उठते हुए देख सक रहे हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम पहला कारण ये हो सकता है कि वहाँ की मिट्टी में अत्यधिक जैविक खाद का इस्तेमाल होना या गाय के गोबर का इस्तेमाल होना, किसी भी कारणवश या तापमान ज़्यादा होने के कारण या आग किसी भी कारण वहाँ पहुँच जाने से ये जो जैविक खाद है, जो गाय का गोबर है, ये जल रही है और इससे धुआं उठ रहा है, ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि गाय की गोबर के इस्तेमाल होने के कारण और उसमें किसी भी प्रकार आग लग जाने के कारण उससे मीथेन गैस का लिबरेट होना, ये काफ़ी पॉइजनस गैस होता है, इससे लोगों को जानमाल को नुकसान भी हो सकता है। दूसरा या तीसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि वहाँ की पानी में आर्सेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है और जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर खाद का अत्यधिक प्रयोग होता है, तो आर्सेनिक वाटर और जैविक खाद या केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ के कारण भी, चूँकि मिट्टी वहाँ काली दिख रही है तो यानी फर्टिलाइजर का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है, तो इसके कारणवश भी ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों का मिश्रण हुआ और वहाँ गैस रिलीज हो रही है जो आप धुएं के रूप में देख सकते हैं। तीसरा कारण प्रमुखता से ये भी हो सकता है कि वहाँ पर प्लास्टिक के बड़े छोटे कण हों और काफ़ी मात्रा में वहाँ पर डाल दी गई हो, जिसके कारण और आग लग जाने के कारण वहां से आप धुआं उठता हुआ देख। मंजीत का मानना है कि चाहे कारण कुछ भी हो लेकिन अगर ये 15 दिनों से बढ़ रहा है तो इसकी फौरन जांच होनी चाहिए, मगर स्थानीय प्रशासन है कि इससे इत्तेफाक तक नहीं रखता। एबीटीवी भारत के लिए लखीमपुर खीरी से संजय राठौर की रिपोर्ट।